हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके माइंड में है ऑल द टाइम, सोते जागते, ठीक है, कुछ भी काम करते वक्त आपको उनके अचानक से याद आ जाती है, तो आपको जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है। जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। वेट अ सेकंड। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में राइट नाउ, जिनके लिए आप पूछना चाहते हैं। मुझे येलो कलर शो हो रहा है। थ्री ऑफ कप्स कार्ड इन पेंट इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको लेकर अभी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, मतलब कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंचे हैं। अगर अभी हम अभी की बात करें, बिल्कुल राइट नाउ क्या चल रहा है इनके माइंड में, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, बट अभी एक आप देख रहे ना कैसे ये शांत खड़े हैं, शांत बैठे हैं अपने घोड़े पर। यानी कि ये पर्सन बहुत कुछ सोच चुका है अपने माइंड में, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग या क्या एक्शन इसको लेना है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग या आपके रिगार्डिंग, ये चीज़ें सोच तो चुका है लेकिन एक्शन में नहीं दिख रही है इसकी कोई भी बात। ठीक है, स्टिल ये पर्सन अभी सोच ही रहे हैं, बहुत कुछ सोच लिया है लेकिन एक्शन में वो बात अभी मतलब दिख नहीं रही है। तो राइट नाउ अगर आप कहें कि अभी आपको मैसेज कर देंगे या अभी आपको कॉल कर देंगे, कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं राइट नाउ, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो मैं यही देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हैं अभी। ठीक है, और चाहते हैं जो दिल की बातें हैं वो दिल में ही रहें। ठीक है, डिसेप्शन, थोड़े से हर्ट हैं ये आज के दिन, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी है, हर्मिट मोड में है, सैड हैं, लेकिन अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं उनसे लड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं दिख रही है बिकॉज ये कार्ड भी रिवर्स में है और ये पर्सन मुझे सिंगल दिख रहे हैं, मतलब किसी और के साथ नहीं है। और आपको भी कोई हायर लेवल कमिटमेंट दी ही नहीं है इस पर्सन ने, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको मतलब अपना पार्टनर देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। तो इनिशिएटिव तो देखो लेंगे क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव एक्शन वगैरह कुछ तो लेंगे ये पर्सन, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करें कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं, तो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक्शन में बात मतलब अभी एक्शन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन माइंडसेट काफ़ी हद तक अपना बना लिया इन्होंने कि हाँ मुझे कमिट करना है, मुझे आगे तक बढ़ना है इस कनेक्शन में। और चाहे आपकी शादी हो गई चाहे नहीं हुई, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा एक बॉन्ड फील करते हो अपने पर्सन के साथ, तो यस ये भी करते हैं अच्छा स्पेशल फील आपके लिए, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे। ब्लॉकेजेस पता है, देखो क्लियर दिख रहे हैं, हर्मिट मोड में है, यहाँ से थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। अब यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है इनके घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है इनके स्पिरिचुअल जर्नी मतलब हीलिंग जो है वो अच्छे से हो नहीं पा रही है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है एक्स के साथ जो भी एनर्जी है उसको क्लियर करने में लगे हुए हैं, तो ये एक मिशन पर ही दिख रहे हैं, प्रोसेस में ही हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये एक्शन तो आगे चलकर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो डोंट वरी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि पर्सन कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही उलझनों में फंसे हुए हैं, दैट इज़ वाई अभी नहीं कर रहे हैं। और अभी नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं आएगा या परसों कॉल नहीं आएगा, एनर्जी पर डिपेंड करता है, रोज ही हम कुछ ना कुछ पार्टनर से रिलेटेड रीडिंग तो करते ही हैं यहाँ पर, बट अभी अगर आप सोच रहे हैं कि अभी ही मैसेज आ जाएगा, अभी ही कॉल आ जाएगा, तो इसके चांसेस अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर फ्यूचर भी मतलब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, बट एक्शन में आनी चाहिए ना वो बात, तो अभी तो ये बात अभी एक्शन में दिख नहीं रही है, लेकिन अपने प्रोसेस में है ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो देखो रखना पड़ेगा, एक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ना पेशेंस आता है, रखना रखना पड़ता है, और ये पेशेंस बहुत रुलाता भी है, आई नो दैट। वेट अ सेकेंड, और देख लेते हैं क्या चल रहा है, और वेटिंग गेम, आपको वेट करा रहे हैं, वेट पे रखा हुआ है, खुद अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, आपको वेट करा रहे हैं, इट्स ओके। बट ये वेट आपके कनेक्शन में ना स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग कर रहा है ये वेट आपके लिए, तो ये वेट कोई गलत नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो अब तो दो दो मैरिज कार्ड आ गए हैं, ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं, लेकिन ये आपको प्रपोज करेंगे, ये वक्त ले रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जैसे कि वेटिंग गेम है, बट आगे के जो कार्ड दो आए हैं ना, ये क्लियर बता रहे हैं कि ये दोनों मैरिज कार्ड हैं, ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स जो 11-11 होता है, ठीक है, और ये है हेरोफेंट का कार्ड, तो ये दोनों मैरिज कार्ड हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ ना कोर्ट मैरिज करने के लिए, और अगर आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर ये इस कनेक्शन में जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपके बच्चे और आप एकदम ये आपको अच्छी लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए कनेक्शन में, लाइफ में, ओके। और ये डार्क से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यस, ये चाहते हैं आपकी सबकी इस कनेक्शन में विशेस पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये चाहते हैं, इनका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। और देखो जैसे आपसे इसको बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्यार करते हो उनसे, आपके पर्सन भी आपसे वही चाहते हैं कि उनको रिटर्न में मिले, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर अगर स्ट्रगल हो रहा है तो थोड़ा सा इस चीज में कॉपरेट करें, समझने की कोशिश करें, इस डिले से पैनिक ना होएं और मैनिफेस्ट अच्छे से करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करें, ठीक है, ये चाहते हैं ये। बाकी तो देखो कनेक्शन में अगर अभी इंसान सोच रहा है और अपने लाइफ के पर्सनल इश्यूज की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो अगर इश्यूज सॉल्व हो गए तो एक्शन भी ले ही लेंगे ना, तो आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड वी हैव, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ओवर थिंकिंग हटानी है, नेगेटिविटी रिलीज करनी है, और अपनी लाइफ में बहुत सारा रिस्पेक्ट खुद के लिए फील करना है, अपनी लाइफ में खुद के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। अभी आप अपना इस जगह फोकस लगाएंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर नहीं करेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है मैनिफेस्ट, ठीक है। तो अब कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, यहाँ से चेक करेंगे,
ये कुछ मैसेजेस आ गए हैं। अरे ये क्या हुआ, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। चलो पढ़ लेते हैं आपके लिए, अब आ गए हैं तो। बट सच में ये बहुत सारे, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इन्हें पढ़ने में। पहले इनको पढ़ते हैं ठीक है, जो यहाँ पर आए थे। बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये अपनी लाइफ में देखो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, और सारे लॉजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। आई हैव बीन हैविंग ड्रीम्स ऑफ यू, आपके सपने आ रहे हैं इस पर्सन को। आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। द ऑब्सेशन इज रियल, ऑब्सेशन है ये पर्सन, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू, मेक श्योर यू रेस्ट। माई नर्व्स हैव बीन गेटिंग द बेस्ट ऑफ मी। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। I like to peep your social media just to see your face. I can't wait to start a family with you. और मैरिज कार्ड तो दो दो हैं यहाँ पर। You are the most beautiful person I have ever seen. Our new beginning is very close. It's so close. Some people don't want to see us together, but I don't care. Love is a lot more fun when you are around. And I miss your smile, I miss your hugs, I miss your laugh, I miss your body, I miss you. एक दो और पढ़ लेती हूँ guys. I am coming, you are ready, 3D moves. तो देखो आ तो रहे हैं ये person. And I will never say I love you unless I mean it 100%. I love you. But दिल दिल में तो बोलते ही हैं. Okay, I am figuring things out. I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it. तो ये बहुत ब्यूटिफुल मैसेज दिया है। इन वाले मैसेजेस को मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मैसेजेस लिए हैं आपके लिए और बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, तो एक बार ही कुछ और पता लगा लेते हैं यहाँ से, कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा तो देख लेते हैं डीपली क्या सोच रहे हैं ना। एक कार्ड निकालते हैं यहाँ से बस, कोडिपेंडेंसी। कुछ तो एडिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यस ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कोई एक कंक्लूजन तक पहुँचे और जो भी एडिक्शंस हैं वो ख़त्म हो और आपका रिकन्सिलिएशन हो, बिकॉज ये ट्रू लव है आपका। तो वेरी सून मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट अभी तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। एक दो दिन देखो, कॉल नहीं आता कोई बात नहीं, अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे तो आएगा भी। ओके पॉजिटिव रहो, लेकिन दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।